के अलग अलग इलाकों में विस्फोटक मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में आईईडी मिला है, जिसके बाद वहां बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुंची। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और पंजाब को भी दहलाने की कोशिश की गई थी, जो कि सुरक्षा बलों ने नाकाम कर। जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाके से भी विस्फोटक मिलने की खबर है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियां कई इनपुट पर पहले से ही सतर्क। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता का अंदाज़ इस बात से लगाइए कि एनएसजी की टीम भी मौके पर थी। पंजाब के गुरदासपुर में आरडीएक्स मिलने के बाद अब अमृतसर के सिमान गाँव धनोई कला में 5 किलो आरडीएक्स मिला है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पंजाब को दहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह आरडीएक्स गांव की मुख्य सड़क के पास ही खेत में छुपा कर रखा गया था। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार इलाके में संदिग्ध बैग दिखाई दिया, जिसमें प्रेशर कुकर और कुछ तार दिखाई दे रहे थे। आईडी होने के शक के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते बीडीएस को बुलाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में तारों से लगे प्रेशर कुकर के साथ एक संदिग्ध बैग मिलने से दहशत मच गई थी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी कुछ इस तरह के ही विस्फोटक मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटकों को निष्क्रिय कर बड़ी घटना होने से रोक ली। We'll be right back.